थोड़ा ये में थोड़ा यो का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि हंदवाड़ा की जीएमसी के अराउंड अगर हम बात करें तो सारे मेडिकल शॉप इस वक्त बंद पड़े हैं। आखिर ये किसका ऑर्डर है और कौन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? इस वक्त अगर हम जीएमसी हंदवाड़ा की बात करें तो वहाँ पे एक कोऑपरेटिव शॉप चल रहा था, कुछ वजूहात की वजह से वो कोऑपरेटिव शॉप बंद पड़ा है। और इस वक्त की इमरजेंसी आप समझ सकते हैं, ये जीएमसी हंदवाड़ा है और जीएमसी हंदवाड़ा में अगर बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो मरीज है वो इसका रुख करते हैं। लेकिन जब मेडिकल शॉप आपका बंद हो तो डॉक्टर का अंदर क्या काम है? एक तो ये मैं कहूँ कि ये चार पहिए होते हैं। सबसे पहले बात करूँ पेशेंट की और उसके बाद अटेंडेंट हो गए दो पहिए, और दो पहिए मेडिकल शॉप और डॉक्टर होता है। डॉक्टर का लिखना क्या करेगा जब आपके पास दवाई अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, तो क्या फायदा है डॉक्टर का लिखना और उन डॉक्टर्स का क्या फायदा है इस जीएमसी हंदवाड़ा में रहना? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। सवाल यहाँ जिले कुपवाड़ा का है और जिले कुपवाड़ा के लोगों के ऊपर ये जुल्म है, क्योंकि कोई मेडिकल शॉप इस वक्त हंदवाड़ा में ओपन नहीं है। विजुअल आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से क्लियरली दिखाना चाहूंगा, ताला देख सकते हैं आप। यहाँ मेडिकल शॉपों पे लगे हुए ताले बता रहे हैं कि सारे मेडिकल शॉप क्यों बंद पड़े और इसको लेकर किसका ऑर्डर है। इस जराया ने कहा कि तहसीलदार ने हालिया दिनों में शायद कहीं ना कहीं एक ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर के मुताबिक यहाँ हंदवाड़ा में सिर्फ एक मेडिकल शॉप ओपन होगा, बाकी मेडिकल शॉप 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। आप बताएं खुदा रा कि पेशेंट को कहाँ जाना है? आप जब मेडिकल शॉप बंद पड़े हैं तो पेशेंट कहाँ जाए? एक मेडिकल शॉप पे आपको सारी दवाएं तो मयसर नहीं होगी। जब आप किराने की दुकान में जाते हैं, शादी ब्याह का माहौल होता है, तब जाकर एक दुकान से आपको सारी चीजें नहीं मिलती, या अपने बच्चों के लिए कुछ लेते हैं एक दुकान से सारी चीजें नहीं मिलती, तो आप जगह जगह पे जाते हैं, हर एक दुकान का दरवाजा खटखटाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कहां से अपने बच्चों के लिए सामान सही लाएं। लेकिन यहां बात हो रही है मरीजों की, और ऐसे भी मरीज हैं। मैं खुद बताऊं, मैं खुद आज एक दवाई लेने के लिए आया था, सितारा एम उसका नाम है, 100/1000, ये शुगर की दवाई होती है और ये दवाई मुझे एक मेडिकल शॉप पे नहीं मिल रही है। खुदारा आप बताएं कि हम कहां जाएं और किसके पास अपनी आवाज पहुंचाएं कि सारे मेडिकल शॉप बंद क्यों है। एडीजी हंदवाड़ा को नोटिस लेना चाहिए था लेकिन खामोशी है। तहसीलदार हंदवाड़ा ने शायद कहीं ना कहीं, जो जराये ने कहा, कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है, ऑक्चुअली मेरे पास ये ऑर्डर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कुछ सुनी सुनाई बातें हैं उसमें कहा जाता है कि तहसीलदार का एक ऑर्डर जारी हुआ है और उस ऑर्डर के मुताबिक 8 बजे के बाद सारे मेडिकल शॉप वाले बंद रहेंगे। इधर जराया ने कहा कि कुछ हमारे जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं या उनके साथ जो लोग थे वो तहसीलदार के पास गए थे और उसके बाद उनसे कहा है कि एक मेडिकल शॉप नाइट के लिए ओपन रहेगा लेकिन बाकी जो मेडिकल शॉप्स हैं वो बंद रहेंगे। ये कौन सा कानून है और इस कौन सा कानून ऐसा है जिस कानून में ये लिखा गया है कि मेडिकल शॉप को बंद करना है? मेरे ख्याल से इमरजेंसी सर्विस 12 PM तक रहनी चाहिए थी और 12 बजे के बाद अगर ये कुछ शॉप बंद होते हैं फिर भी कुछ शॉप ओपन रहने चाहिए, लेकिन आज कानून शायद अलग है। 370 हटने के बाद शायद अब नए कानून इन्हें जन्म लिए हैं और ये नए कानून अब सिर्फ हंदवाड़ा जीएमसी के बाहर नजर आते हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, जाने की मैं कोशिश करूंगा। आप सर अपना नाम बताएं, आप यहाँ पे मेडिकल शॉप पे वेट कर रहे हैं क्या? मेरा नाम जावेद अहमद बाले है जी। हाँ, क्या वजह है? मुझे दवाई लेनी थी, दवा दुकानें बंद पड़ी है ना, बस जी मैं इसीलिए इनके इनसे ही बात करता हूँ। अच्छा, क्या बता रहे, क्या रहे हैं ये? ये बता रहे हैं ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने बंद किया है 8 बजे के बाद। अभी तक कोई ऐसा कानून आपने देखा? क्योंकि मेरी तो देखा नहीं, मैंने भी पढ़ाई की है, लेकिन मैं भी जोमा से ही बात करता हूँ तो मुझे भी
तो अभी दवाई लेने के लिए आए थे? मैं दवाई लेने के, मैं मेरा हिसाब चलता है, मैं इसी से लेता हूँ दवाई, फिरदौस मेडिकेट से। हाँ। मैं तो किसी को जानता भी नहीं। अच्छा, मतलब तो यही है। तो आपको अब दवाई अवेलेबल नहीं हो? नहीं नहीं, मेरे पास दवाई कहाँ, दवाई अवेलेबल, क्योंकि जीएमसी में जो कोऑपरेटिव शॉप चल रहा था कुछ वजूहत की वजह से वो बंद पड़ा है, उससे मुझे उसका मुझे पता नहीं है। ये मेडिकल शॉप है, 10:30-11 बजे तक खुली रहती थी, अब ये बंद है। अब मसला तो ये बन गया ना, बाकी उधर तो भीड़ है, मसला तो यही है। आपकी क्या मैसेज रहेगी डीसी को? मेरी मैसेज ये रहेगी कि जनाब, इनसे गुजारिश है कि कम से कम 9:30 तक सारी दुकानें खुली रहे, 9:30 के बाद एक को रखो, दो को रखो, तीन को, वो इनकी मर्जी है, कम से कम 9:30 तक को इनको खुला रखो। चलिए आपने दर्शकों, हम बता दें कि कुछ मेडिकल स्टोर के ओनर भी यहाँ हमें नजर आते हैं और उन्होंने अपनी दुकानें बंद की है। वजूहत क्या है मैं जानने की कोशिश करूंगा। फिरदौस साहब, आपके पास आ रहा हूं, इसलिए आ रहा हूं क्योंकि पेशेंट काफी बाहर पड़े, आप देखिएगा, कैमरामैन को कहता हूं थोड़ा विजुअल के लिए दीजिए। ये सारे आप दवाई लेने के लिए आए हैं, लेकिन आपने अपना शॉप बंद किया है। मैंने देखा 8:01 पे आपका शॉप पूरा बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है, क्या वजूहत है? ज़ाहिर हिलाल को कभी हम कह न सके तंग, अपनों से भी बेगाने और पराए भी हमसे नाखुश। ये जो अभी लोग मेरे पास आ रहे थे या दूसरे दुकानों के पास जा रहे थे, तो 8 बजे के बाद हमारा सर्कुलर निकला है कि शाम 8 बजे के बाद आप अपना दुकान बंद रहे। तो इस सिलसिले में हमने अपनी एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की थी 5 दिन पहले, शनिवार को, सैटरडे को, उसमें एक रोस्टर निकला था। रोस्टर में ये दिखाया गया कि जिसकी नाइट लगी हो 9:30 बजे तक रेस्ट ऑफ ऑल मेडिकल शॉप खुले रहेंगे, उसके बाद में जिसकी नाइट हो वो कंटिन्यू नाइट देगा। तो 2-3 दिन तक ये सर्कुलर ठीक तरह से चलता रहा। उसमें रोस्टर के हिसाब से पहले सैटरडे को टर्न थी वार मेडिकेट ने अपनी टर्न निभा ली। दूसरी टर्न थी अलबुरकान मेडिकल शॉप की, उसने भी अपनी टर्न संडे को निभा ली। और तीसरे दिन मंडे को जुनेद मेडिकेट की टर्न थी, उसने भी अपनी टर्न के हिसाब से अब मंडे को उसको काम करना था। लेकिन मंडे के 5 बजे हमारा एक ग्रुप चलता है, केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन हंदवारा के नाम से एक ग्रुप चलता है। उस ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट होती है जिसमें ये लिखा गया है, उसमें ये मेंशन किया गया कि जो भी मेडिकल शॉप्स हंदवारा में हैं ओल्ड गेट और न्यू गेट में, न्यू गेट की तरफ, उन मेडिकल शॉपों से ये लिखा दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि 8 बजे तक अपने मेडिकल शॉप खुले रखें, 8 बजे तक, 8 बजे के बाद वो खुले नहीं रहने चाहिए, वही मेडिकल शॉप खुला रहेगा जिसकी रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगी हो। ठीक है, 3 दिन पहले यही एसोसिएशन, यही मेम्बरान ओल्ड गेट और न्यू गेट, हमने मिलकर एक रोस्टर बनाया था, स्वीकर से साथ के साथ रोस्टर बनाया था। संडे के बाद मंडे को ट्यूजडे को मेरी टर्न थी, मेरी टर्न पता नहीं कहाँ की, चलो ठीक है, मैं साथ हूँ, मैं क्योंकि लोगों को सर्विस देना है जी। सर्विस के हिसाब से आप जहाँ तक देख रहे हैं, हम 20 साल से तो आप सर्विस देते आ रहे हैं, क्योंकि हम मोर देन 20 इयर्स फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स आई एम सर्विंग द पीपल एंड यू मे आस्क आप पब्लिक से ये आई हैव ऑलरेडी टॉकिंग विद द पब्लिक दे आर आस्किंग अबाउट यू एंड अदर पीपल दैट दे आर गिविंग सर्विस फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स एंड स्टिल व्हेन वी आर सीइंग दिस ऑर्डर शोइंग समथिंग एल्स वी आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपर्ली व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस ऑर्डर सर जस्ट लेट मी क्लियर I am not against the night duty because it is our duty to serve the public. In case of emergency, we have to provide ourselves. We have to attend ourselves at our shops. And in emergency, if we will be called by any department, any administration, and that time we should be present. Yes, exactly. उस time हमें जी आपको यहाँ हाजिर रहना ही रहना है। नहीं नहीं, मैं तो इस ऑर्डर के बारे में, आपने अभी कहा कि हमने ग्रुप में ये ऑर्डर देखा, ये ऑर्डर के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर कर सकता है? एक्चुअली आई रेस्पेक्ट द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जीशान सर, वी टू जीशान सर, बिकॉज ही इज अवर हेड बॉस। जी जी, तहसील के वो हेड बॉस हैं। हमारे जो एसोसिएशन से वाबस्ता 2-3 बंदे हैं, उन्होंने यहाँ से रोस्टर बना के ले लिया, तो फिर अपने तहसीलदार साहब के सामने रखा,
उनको बोला कि हमारे रोस्टर हिसाब, हमने रोस्टर बनाया इसके हिसाब से फलानी की नाइट इस अकॉर्डिंगली उन्होंने नाइट लिखी है। लेकिन इससे पहले तीन दिन एसोसिएशन ने ये फैसला लिया था कि साढ़े नौ तक सारी दुकानें खुली रहेंगे। अचानक ही ये फैसला हुआ तो हमें ये आप भी नहीं जानते कैसे फैसला, ये पता नहीं इस फैसले। आप मुझे बताएं, आपके साथ अभी मैं देख रहा था कम से कम 20 या 25 आदमी यहाँ खड़े थे, लेकिन आपने अपना दुकान बंद रखा था। इमरजेंसी सर्विस है, देखिए ये ऑर्डर है, आई हैव बीन बाउंड बिकॉज जो सर्कुलर है, सर्कुलर को मुझे ऑनर करना है। अच्छा, सर्कुलर हिसाब से मेरा दुकान बंद रहता है, मुझे बंद करना है अपना। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर सुन रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। देखिए हमने भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैं 25 साल में कभी ऐसा ऑर्डर नहीं, 25 साल में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है। हाँ, पेंडेमिक जो उस दिन हमने दो दो तीन तीन मेडिकल शॉप खुले रहे थे, बाकी बंद रही थे, क्योंकि उन दिनों ऐसा ही सर्कमस्टेंस कुछ माहौल था। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपने कहीं भी ऑर्डर नहीं देखा? कहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात सर, तुम क्या बंद तुम क्या दवा मतलब यह पुन हिसाब से हमें दुकानदार शाम मतलब दवा पम खेस मुश्किल वो मेडिकल शॉप गठ बजे बंद अंदर तक दवा मिलान जी एम सी मह कह आउट साइड अगर तवे तवे गुक रोजन गुकान ये पे रोजान गई बारह जी एम सी चलान तुम कहीं अंदर दुकान नहीं है, वहाँ भी यही शेड्यूल चल रहा है, मगर वहाँ तो तकरीबन 10-11 बजे तक आम दुकान सारे मेडिकल शॉप खुले रहते हैं। अच्छा, मगर यहाँ हंदवाड़ा में पिछले तीन दिन से नया कानून लागू हुआ है, अगर किसी जगह कोई इमरजेंसी दवाई वो तो एक दुकानदार के पास नहीं निकलती, अगर दूसरा दुकान खुला होगा तो वही वहाँ मिलेगा, जब वो बंद होगा तो हम कहाँ जाएंगे जी। मगर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस पे कोई गौर सर्च करे। आपने अभी तक की अब मैं देख रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा कानून आपने देखा नहीं, आपकी भी अभी तक हमने देखा ही नहीं है, चाहे श्रीनगर में, चाहे जीएमसी बारामूला में, चाहे सोपोर में, चाहे दिल्ली की बात करेंगे, कहीं नहीं है। हंदवाड़ा में नए नए कानून लागू हो रहे हैं तो आप इस काम की बात, हॉस्टल में भी बहुत धांधली हो रही है, ये मेडिकल शॉप पे नहीं, हॉस्टल में बहुत धांधली हो रही है, वहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। वहाँ अगर इस वक्त जाएंगे तो डॉक्टर वहाँ जो बड़ा डॉक्टर होगा वो नींद करता होगा, वहाँ सिर्फ इंटर्नशिप जो सीखने वाले होते हैं जिनको सीखना है अभी सीनियर से, जिनका सीखना है सीनियर से, सीनियर डायग्नोज करेगा डॉक्टर को क्या लिखना है वो लिखेगा, फिर जब सीनियर खुद बैठा है नहीं कमरे में। आपको लग रहा है कि इसको लेकर अब सुबह मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑर्डर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, तहसीलदार एडी साहब को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बात कर रहे थे मुकामी लोग जो बता रहे थे अपने दर्द, अपने दुख बता रहे थे कि हम अगर किसी मेडिकल शॉप वाले के पास जाते हैं तो उस मेडिकल शॉप वाले के पास अगर पूरी दवाई नहीं निकलती है तो हम दूसरे मेडिकल शॉप वाले के पास चले जाते हैं, उसके बाद वहां से दवाई लेते हैं। लेकिन आलम तो ऐसा है, सितमगरी तो ऐसी है कि हंदवाड़ा में पूरे मेडिकल शॉप जो है वो इस वक्त बंद पड़े हैं। देख सकते हैं आप, कैमरामैन को कहता हूँ लाइव विजुअल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाएं, हमारे डीसी मैडम को, हमारे एडीसी हंदवाड़ा यहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार को दिखाएं। ये लाइव विजुअल आपके स्क्रीन पर है जो बता रहे हैं कि सारे मेडिकल शॉप बंद पड़े हैं। आखिर वजूहात क्या है, क्या कार्रवाई ऐसी है कि मेडिकल शॉप को बंद करने की जरूरत है? और यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, मेरे और एक साथी भी यहाँ मुझे मिल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की। अपने कैमरा मैन को कहता हूँ थोड़ा कैमरा इनकी तरफ घुमाएं, ये तारिक साहब है यहाँ हंदवाड़ा से, इनसे लगातार आप इनको सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तारिक साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, ऐसा कौन सा ऑर्डर? देखिए दो तीन दिन से हमने यहाँ पे भी देखा है कि अलमिया ये कि अंदर का जो फेयर प्राइस है अचानक उसे अब्रप्टली डिवास्टेड किया गया है। जी जी, सरकार के अपने नियम होंगे लेकिन उसका एक अल्टरनेट रखना चाहिए जरूर। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक दुकान अल्टरनेटली खुला रहता है रात को, जरूरी नहीं है कि उसके पास हर कोई दवाई हमें यहाँ पे मयसर हो, दस्तियाब हो, सो दैट कि इंसानों की जिंदगी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सबसे पहले इंसानी ह्यूमन लाइफ होती है, दैट शुड बी गेट द प्रायोरिटी, सो दैट एक दुकानदार जो यहाँ पे बैठा हुआ जरूरी नहीं कि इसके पास सारे मेडिसिन हो। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पॉलिसी में, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर है, इफ इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट देन इट शुड बी चेंज्ड।
चेंज इसलिए करनी चाहिए कि वी हैड दैट द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैव गिवन द ऑर्डर टू क्लोज योर शॉप्स ऑन 8 PM एंड वन शॉप विल बी ओपनड फॉर द देखिए 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 अगर जीशान साहब ने यहाँ पे ऑर्डर निकाला होगा ही इज द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही नोज लॉज बेटर देन यू एंड मी लेकिन हम चाहते हैं हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम तो इसे ऑर्डर नहीं कर सकते हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके यहाँ पे इंटरवीन कीजिए इसमें इंटरफियर कीजिएगा इसमें यहाँ पे कम से कम दो चार दुकानें अगर खुली रहेंगे अगर एक के पास बवन कशर पेट सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट माय वर्ड्स अगर पास दुकान थावन आ जत रे यार अगर ये तुम आप दुकानदार सियालो समझ गया यार जरूरी चन के बस यार सर ही रहा अगर ने मैं दवा ट्राई कि आप दौरान छो इमरजेंसी सुप एग्जाम गेट हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट दैट व्हेन आई वाज हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट सो दैट गवर्नमेंट शुड टेक अ वेरी कॉग्निजेंस रिगार्डिंग दीस वेरी इश्यूज इनको चाहिए कि दुकानदार जुतवर रोजन यले यीतिस कालस अंदर इंतजाम गए आपकी क्या एज है तारिक साहब आई एम अप्रोक्सीमेटली 36 इयर्स दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इन माय लाइफ अच्छा अगर यहां पे ये बियर प्राइस है इसको जल्द से जल्द फिर से रिस्टार्ट किया जाए इसकी इजी टेंडरिंग की जाए मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हम मेडिकल प्रिंसिपल से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द हंदवारा ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे हंदवारा में ये हंदवारा जो है दिस इज नाउ द मेडिकल कॉलेज जी जी मेडिकल कॉलेज वैसे इसकी बड़ी है लंगेट से लेके रामाल से लेके राजवार से लेके कोटवार से लोग यहाँ पे आ रहे हैं इससे पहले यहाँ बहुत सारी क्राइसिस हो रही थी डॉक्टर को लेके पैरामेडिकल स्टाफ को लेके अब यहाँ पे बड़ा एक क्राइसिस कल से हुई हमारे पास बहुत सारी शिकायतें कल से मासूम है बहुत सारी शिकायतें कि यह रात आग दुकान आमस दवा नेरान कि हो सफर कर अच यूत रश कहान यीतिस कालस यह दवा हर गए पेशेंट से डेथ ग Humanity should be priority. Government should take a very serious action regarding these things. All the medical shops will be remained open still. It will not get the alternative in the fair price in the hospital. Hospital mein fair price ko fir se aapko lag raha hai ki 8 baje dukaan band karna kahan ka insaaf? This is very unfortunate. Itne log jo yahan pe pareshan hai kis liye? हाथ में प्रिस्क्रिप्शन लेके घूम रहे हैं ना वो चुकलानी मस पे वाइकस दुकानदारस नेच बिहोन ग्रान एमस दवा की विकस कोत गस रात ले दूरी पेट उस आ बिचार पेशेंट वो तो मर जाएगा ना तो अस वना की तहसीलदार सबस पे एक पे रिक्वेस्ट चेस कर ऑन बिहाफ ऑफ हंदवारियन पीपल बीइंग बीइंग एज सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम द हंदवारा आथो यु दुकान सु सोरियल आ कोई दुकानदार अस थमो दिल अंदर से प्रॉब्लम गसा ये चो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पेट चे वाले एक बिचारे दवा त्रान के मर यु कुस इंसान छ अगर हमें अंदर में सुनो डिवास्टेड कर फेयर प्राइस नईस करो टेंडर नो गए स्टार्ट ताकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम गई इनकेस अगर ये प्रॉब्लम रोज कंटिन्यूस गट विल बी बिकम द इलार्मिक सिचुएशन सो दैट अगेन वी रिक्वेस्टेड अगेन वी रिक्वेस्ट हैंडफुल रिक्वेस्ट टू द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज टेक द नोट सीरियस नोट गेट द अल्टरनेटिव ऑफ इट शुड रिमेन ऑल द शॉप्स मेडिकल शॉप्स वाई शुड इट ऑनली वन मेडिकल इवन ड्यूरिंग द नाइट इफ द इमरजेंसी विल प्रिवेल हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ So we are requesting the government on behalf of the Hindwara take the cognizance, take the action regarding this. In sabko khula rakho na. Agar inko khula nahi rakhna to andar se koi alternative nikaliye. Aapko lag raha hai ki emergency service 12 baje tak on honi chahiye. 12 baje tak ye sare medical shop khule rehne chahiye. Agar fir kisi ko night hai nahi. Yaar maine last time bhi request ki thi drug inspector aapke madhyam se Sharafat sahab. Maine bar bar kaha tha ki ye kaun sa insaan hai? Aag dukaan se thomo yalla. Khotat nasam kaita bhi hum line mein rato tha. Ek insaan gaya de. यह ह्यूमन लाइफ पेट ग कहें कम्प्रोमाइज ग डॉक्टर इंजीनियर चाहिए यह गोड़ ह्यूमन अत प्रयारिटी पे करो यह चेंज अस तुम रिक्वेस्ट कर सारी चुनाव तुम रिक्वेस्ट कर तुम सारी वन ये सारी चुनाव तुम वन ये सब लोग यही बोल रहे कि ह्यूमनिटी ऑन द फर्स्ट प्रिया अत मह सियासत कह चीज कह यह इंसानियत के ना तो वन सारी थो दुकान ये ताकि परेशानी गई ना गई कहीं देखिए दिस इज द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू सी द डर सी द प्रॉब्लम हियर रिक्वेस्ट वर्दी इंजेक्शन इंटरफियर विद इन नो टाइम सो दैट जान जी गो इंसानी जान गो जी गो सब गए यह प्रॉब्लम वन ब्रो कि यह बन इशू यह करो सब साइड थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए बात कर रहे हैं और सारे बता रहे हैं कि ये हालात हैं
हाल जो बता रही है कि हालात काफी खराब है, मेडिकल शॉप सारे बंद पड़े हैं। एक बार कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा जीएमसी की तरफ दिखाया आप भी, ये जीएमसी के बाहर लोग पेशेंट बैठे हुए हैं, हाथों में प्रिस्क्रिप्शन लिए हैं और बता रहे हैं कि किस मेडिकल शॉप के पास जाएं और कहां हम अपनी दवाई ले लें। वो जो मेडिकल शॉप आप देख रहे हैं जिलानी मेडिकल, इसकी आज नाइट है और देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है और इसके पास सारी दवाएं नहीं निकलती है, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल ये बड़ी बात होगी, आज हमें छोटी बात नजर आती है, लेकिन खुदा न करे अगर आज तक कोई हो गया तो कल ये बड़ी बात होगी। जीएमसी हंडवारा को लेकर आए दिन जहां न्यूज़ें चलती है तो ये और एक खबर है जीएमसी को लेकर, और जीएमसी प्रिंसिपल को इसमें इंटरव्यू करना चाहिए और सारे मेडिकल शॉप को एक बार फिर से एक ऑर्डर जारी होना चाहिए सारे मेडिकल शॉप के लिए, जो जितने बजे रहे उतने बजे तक अपना दुकान चलाएं, कोई मेडिकल शॉप अपना 8 बजे से पहले बंद न करें, क्योंकि अगर ये 8 बजे से पहले ही अपना मेडिकल शॉप बंद करते हैं तो 8 बजे के बाद लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से विजुअल दिखाना चाहूंगा आपको, ये स्क्रीन पे आपके विजुअल्स है और देखिएगा किस तरह से ताले लगे हुए हैं इन मेडिकल शॉप्स पे और 8 बजे के बाद कोई मेडिकल शॉप वाले नजर नहीं आते हैं, सिर्फ चंद मेडिकल शॉप वाले, एक मेडिकल शॉप यहाँ पे हमें नजर आ गया। आप देखिएगा, कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा दिखाएं जिलानी मेडिकल, और देखिएगा ये सिर्फ ओपन है इस वक्त, सिर्फ पेशेंटों के लिए ओपन रखा गया है इसको, बाकी सारे मेडिकल शॉप बंद पड़े हैं। ऐसा कोई कानून 25 साल में देखने को नहीं मिला है, ये पहला कानून है जिस कानून को लेकर हम कहेंगे कि शायद कहीं ना कहीं ना इंसाफी है यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अगर जीएमसी हंडवाड़ा की बात करें तो हंडवाड़ा मावर लंगेट राजवार हमारा जो करना का इलाका है, टंगरार का इलाका है, कैरन का इलाका है, मच्छल का इलाका है, लोलाब का इलाका है, जितने भी पेशेंट्स वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में आते हैं और उन्हें फिर रेफर किया जाता है जीएमसी हंडवाड़ा। सिर्फ इस बुनियाद पे जीएमसी हंडवाड़ा में आपके पास डॉक्टर अवेलेबल होंगे, वहाँ पैरा मेडिकल स्टाफ होगा, वहाँ मेडिकल स्टाफ ओपन रहते हैं, लेकिन आज वो पेशेंट्स कहाँ जाएं? आज मलेरिया के इंजेक्शन के लिए पेशेंट को श्रीनगर रेफर करना पड़ रहा है, ये हालात है हमारे हंडवाड़ा के। एक बार फिर से कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाएं कि क्या हालात है, जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ बहुत भीड़ जमा हुई है पब्लिक की, जाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप बताएं आप? आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेडिकल शॉप है सारे बंद हुए हैं जी, तो कोई किसी को रात के 2 बजे या 3 बजे किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना कि उसके पास सारा कुछ अवेलेबल होगा जी, है नहीं। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सारे जो मेडिकल शॉप है अपने अपनी मर्जी तक जिस टाइम तक जैसे बाकी जगह पे जैसे होता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर अचानक से क्या हो गया है। अभी आप देख सकते हैं अंदर एक पेशेंट था, उसको अभी अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं इधर, आप उसको जो इंजेक्शन है मेडिकल शॉप वालों को ढूंढ रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं क्या है आप यहाँ पर ये देख सकते हो, इंजेक्शन नहीं मिली इसको मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रही है, पूरे हंडवाड़ा ढूंढे किसी मेडिकल शॉप में नहीं मिला ये। अच्छा आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। अच्छा यहाँ जीएमसी में आए थे? जी सर, यहाँ जीएमसी में आए हैं, हम बोले भी कि हम वहाँ से मंगा रहे हैं इंजेक्शन श्रीनगर से जी, तो फिर भी डॉक्टर साहब बोला कि नहीं तुमको सौरा जाना पड़ेगा, वो रेफर लिख दिया, रेफर लिख दिया आपके इधर, तो यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऊपर से जो फैसिलिटी थी भी वो भी ये छीन रहे, हम कौन से टाउन में रह रहे हैं जी, जी ये टाउन है, ये जीएमसी नाम का जीएमसी खाली जी, यहाँ पर मेडिकल शॉप है ही नहीं, आपने अभी भी दिखाया काम करें अंदर, आपको सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा वहाँ पर, है ही नहीं कोई, सारे इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई भी वहाँ पर वो डॉक्टर है ही नहीं जिसने 5 ईयर एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस, कोई है ही नहीं वहाँ पर, जो सीनियर डॉक्टर है ना वो वहाँ पर कोई है ही नहीं। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फैसिलिटी थी मेडिकल शॉप जो है वो भी बंद कर दिए गए और अंदर इनके पास कोई स्टॉक है ही नहीं, यहाँ तो अंदर स्टॉक रखो, हम मेडिकल शॉप बंद रखो, कोई बीमार जो है उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो अलग बात है।
अगर आप मेडिकल शॉप बंद भी रखोगे, अंदर स्टॉक अवेलेबल है, वो हमारे लिए अच्छा है। जी जी। लेकिन आपने तो मेडिकल शॉप भी बंद कर दिए, सारा कुछ बंद कर दिया, यहाँ पर इस बेचारे को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इंजेक्शन में अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा इंजेक्शन के लिए? अब इंजेक्शन के लिए श्रीनगर, नहीं तो हम पेशेंट को घर भेजेंगे। अच्छा, कल हम पेशेंट को फ्लाइट से घर भेजना पड़ेगा। ऐसी बिना इंजेक्शन, बिना इंजेक्शन का हम सोच रहे हैं कि सौरा जाएंगे। अब सौरा नहीं जाएंगे तो फिर घर ही जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे मुकामी लोग और आउट ऑफ स्टेट के भी कुछ लोग बिहार से इंजेक्शन जरूरत थी, लेकिन वो इंजेक्शन यहाँ पे इन्हें नहीं मिल रही है। कैमरा मैन को कहता हूँ थोड़ा आगे आकर दिखाएंगे विजुअल। ये विजुअल आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा पूरे मेडिकल शॉप जो है यहाँ पे, वो पूरे मेडिकल शॉप बंद पड़े हैं। इस वक्त देखिएगा आप, हर एक मेडिकल शॉप पे ताला लगा हुआ है और पूरे मेडिकल शॉप बंद पड़े हैं। ताले आप देख सकते हैं मेडिकल शॉप पे किस तरह से ताले चढ़ाए गए हैं। और इन्हें शायद कहीं ना कहीं जो जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि इन्हें ऑर्डर एक मिला है कि 8 बजे के बाद अपने मेडिकल शॉप बंद रखें। आप सर अपना नाम बताएं। अच्छा मुजीद साहब, आप मुझे बताएं कि आपका एक शॉप ओपन है, बाकी सारे मेडिकल शॉप बंद पड़े हैं, इसकी क्या वजूहत? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छा उन्होंने ऑर्डर निकाला कि एक ही शॉप रहेगा शाम 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक खुला, बाकी बंद रहेगा। ऐसा क्यों, कभी ऐसा ऑर्डर देखा आपने अभी तक? तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार देखा तो उसके बारे में किया। ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है? ये ऑर्डर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। आपको आज नाइट देनी है आप? हाँ। ये ऐसा ऑर्डर क्यों निकाला गया, आपको कुछ रीजन पता होगा, कुछ समझ में आया होगा? मालूम नहीं है क्या। आपकी भी अपनी एसोसिएशन होती है, आपके एसोसिएशन में ये बात हुई? इससे पहले ही हुई एसोसिएशन में हमारी सारी बात, तो उन्होंने 9:30 टाइम रखा हाँ बंद करने के लिए, तो बाकी एक। लेकिन 8 बजे के बाद क्यों बंद, अगर 9:30 आपने रखा? ये तो हमने एसोसिएशन में, अच्छा एसोसिएशन में बात, मैं प्रेजिडेंट ने फैसला लिया कि 9:30 बजे बंद करूँ, बाद में एक ही दुकान बंद रहेगी, एक ही दुकान खुला रहेगा, तो बाकी बंद सब रहेगी। तो दूसरे 2 दिन तक ये रोस्टर चला था, तीसरे दिन तो फिर से वही हालात हुई, 8 बजे के बाद दुकानें बंद हुई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। चलिए आपने दर्शकों, हम बता दें कि आप सुन रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, लेकिन मेरे पास वो ऑर्डर मौजूद नहीं है, अदरवाइज मैं आपके स्क्रीन पे वो दिखाता कि किसका ऑर्डर और ऐसा ऑर्डर क्यों। मैं कोशिश करूंगा, इस वक्त तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल 11 बजे और एक अपडेट देने की, जिस अपडेट में हम डीसी कुपवाड़ा से बात करेंगे कि वाकई क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कोई ऑर्डर निकाला है, कौन सा ऐसा पेंडेमिक है इस वक्त जिस वजह से ऐसे ऑर्डर जारी करने पड़े, 8 बजे के बाद सारी दुकानें बंद करनी पड़े और सिर्फ एक दुकान खुली रहेगी, ऐसा कौन सा ऑर्डर और ऐसा ऑर्डर क्यों निकाला गया। कोशिश करेंगे कल 11 बजे अपडेट देने की, और कल 11 बजे हम डीसी मैडम से बात करेंगे इस हवाले से कि वाकई ऐसा ऑर्डर क्यों, और ड्रग इंस्पेक्टर अगर खुदा ना करे हमें कहीं मिल गया तो उनसे भी इस मामले में बात करेंगे। और मैंने अभी अभी जस्ट बिफोर हाफ एंड आवर मैंने जीएमसी के प्रिंसिपल से फोन लाइन पे बात की, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे इस मामले को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करेंगे रिपोर्ट नशर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई ऑर्डर ना जारी कर दें जिसे पेशेंटों को सफर करना पड़े। मेरे कैमरा पर्सन शायद को दीजिए इजाजत। खुदा।